सो हेलो गाइस गाइस, आज के वीडियो आपको लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके उन सभी के लिए जो कि वेस्टर्न रिदम बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं बेसलाइन नहीं बताया हूँ, यहाँ पर आपको बताया हूँ मैं यहाँ पर जो किक होता है, कौन सा किक यूज होता है वेस्टर्न पे। काफ़ी लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कोई अलग से किक आता होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, यूज़ करते हैं अलग से भी, VST से किक यूज़ करते हैं, खुद किक मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं, अपन लोग भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उसने कि आपने जिसमें देखा होगा कि सॉफ्ट में हार्ड टाइप का, मतलब धमनेस जो होता है उस टाइप का किक कैसे बनाना है। तो आपको मैं बता दूं कि उस टाइप का किक हार्ड किक को ही बनाया जाता है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाता है, और किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है टोटल चीज़ मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद ना आया तो कमेंट में गाली देंगे, बोलेंगे कुछ नया ला, है ना, आजकल ज़्यादा हो रहा है मेरे वीडियो में ऐसा। बट इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सिर्फ उनके लिए है कि किक को हम वेस्टर्न यूज़ के लिए सॉफ्ट करके, धमनेस, हार्ड किक में धमनेस नहीं होता है, धमनेस जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। आर्य शर्मा जी का जो किक यूज़ होता है उसमें किक काफ़ी अच्छा धमनेस होता है। मैंने भी जो किक यूज़ करता हूँ उसमें भी धमनेस काफ़ी अच्छा मैं बैलेंस करके रखता हूँ कि उसी टाइप का रहे। तो किस तरीके से बनाया जाता है टोटल इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइस, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और जो हम आप लोग के सामने टोटल चीज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ वही हार्ड किक जो कि हम DJ वाले यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हम उसी किक को यूज़ करने वाले हैं जो कि ये किक है, देखिए काफ़ी हार्ड है, तो इसको हम ऐड कर लिए, एक हिट हेड के इसको ले लेंगे और बाकी हम यूज़ करेंगे स्वर प्लग से टोटल लगा करके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट नंबर पैटर्न पे हम परकसंस लगा लेते हैं जो कि हमारा हीट हेट है। तो अपना 135 के BPM सेट है तो हम इसको फटाफट ऐसे लगा लेंगे। तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि इस पर ये इस टाइप का आ रहा है हीट हेट, आप हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन नहीं लगाए तो। उसके बाद मैं स्वर प्लग का यूज़ करने वाला हूँ, इसमें का घुंघरू में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये है घुंघरू, तो कीबोर्ड को हम बटन दबा के देख लेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला घुंघरू सही है, इसको हम पियानो रोल पे ओपन करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ पर ये आ रहा है। तो ये वाला यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे रख लिए और इस पर क्लिक कर लेंगे। एंड ज़्यादा लंबा आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे इसके लाइन को, बस ये हो गया, ठीक हुआ। अब इसको हम ऐसे लाइन लाइन पे लगाते जाएंगे जो इसका मेन हाईलाइटेड एरिया है। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं ताकि ये घुंघरू का जितना लंबा रखेंगे उतना लंबा तक आएगा, इतने रख लेते हैं इसको हम, ठीक है। अब तो वैसा सुनाई देगा आपको, ठीक है। मेरे को लग रहा है ज़्यादा लंबा हो गया, इसको कम कर लेंगे थोड़ा सा। ये हमारा परकसंस लग गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। हम इसको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ये हुआ लग गया हमारा। अब सेकंड नंबर पर अपना चलते हैं, किक जो है हम देखिए उसी हार्ड किक का यूज़ करेंगे, ये वाला देखिए काफ़ी हार्ड है। तो इसका मैं भी बेसिक से ध्यानपूर्वक देखिएगा बात को, मतलब वीडियो को, तो ये काफ़ी हार्ड है, देखिए वो DJ वाला है। इसको हम अगर हम लगाते हैं यूज करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4 स्टेप पर, ठीक है, ये तो ये मज़ा नहीं आ रहा है थोड़ा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बेस लाइन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दूँगा। हाँ तो गाइस, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लगा लिया है कोडिंग वाला, ठीक है। तो ये इतना तो हो गया है, अब यहाँ पर मैं इसको अरेंज करता हूँ क्योंकि इतना लंबा है, तो इस लाइन को नॉर्मल कोडिंग वाला लेते हैं, ठीक है। ये शार्प कुछ है कि ये माइनर पैसे लगाया, मैं भूल गया अभी, ठीक है। तो अपन लोग इसको हम छोटा करेंगे क्योंकि इतना लंबा तो रहता नहीं है, ठीक है। तो इसको अब फटाक से अपन लोग छोटा कर लेते हैं और जहाँ पर हमारा जो लाइन है जो हाईलाइटेड ये डार्क वाला, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर इसको कॉपी करके इसको हल्का लंबा, ठीक है। बेस लाइन का सबसे सही तरीका यही दोस्तों लगाने का जो कि मार्केट में बज रहा है, आप चाहे कोई सा भी आप प्लगइन यूज करो, ठीक है। तो ये सुनिए इस टाइप को सुनाई देगा आपको, ठीक है।
ये देखिए अभी हार्ड किक आ रहा है, हमने तो बेस लाइन एक लगा लिया, अब हमारा जो किक है उसको हमको सॉफ्ट करना है। अभी तक ये कैसा बज रहा था आप लोग को मैं सॉरी, ये वाला है सेकंड लाइन, तो आपको इसको क्या करना है हार्ड किक का सुनिए, हमको इसको पियानो रोल पे जाना है और इसको हल्का से ऐसे लंबा कर लेंगे ये। अभी आपको इसका डेप्थ पता चलता होगा कितना लंबा है, एंड इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे जो ये वाला है एस एम पी लिखा है स्टार्ट, इसको भगाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाला को हमको मूव करना है, ठीक है, इसको मूव करेंगे, ये ऐसे करेंगे, यहाँ पर का ध्यान दीजिएगा ये वाला पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है, जो हार्ड किक होता है ये इस टाइप का, देखिए किक में काफ़ी अंतर हो गया, इसको हम जीरो कर देंगे, काफ़ी हार्ड आ रहा है, इसको हम इतने में ला के छोड़ दिए, काफ़ी अच्छा हो गया। अभी हल्का से ये क्या होगा पतला आ रहा है, पीच आ रहा है, तो अब इसको कम ज़्यादा करके अपना धमनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी इतना आ रहा है, मैंने पीच को हल्का और कम कर दूंगा, ठीक है, ये बेसिक तरीका है, ठीक है। अब इतना तो हो गया, तो इतने में हमारा ये किक बेहतर नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना, मिक्सर पे ओपन करना होगा, तो हम मिक्सर पे ओपन कर लेंगे इसको कंट्रोल एल दबा करके। यहाँ पर आने के बाद अपन यूज लेंगे फ्रूटी पैरामेट्रिक AQ2, इसको लेने के बाद इसको जो है यूं करेंगे अपने अनुसार, आप जैसा हर गाने पे जरूरी नहीं है कि जैसा किक यूज हो, और जो इसका जो ये होगा ये वाले 6-7 नंबर के जो होती है हमारे इधर का ट्रेबल वाले को, इसको कम करेंगे, ये हुआ। अब यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान देंगे, हमारा जो ये सेकंड नंबर का है किक वाला, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अब लेकिन यहाँ पर ये मज़ा नहीं आ रहा है अभी भी, तो अपन लोग यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्लैप, तो अपन लोग FL स्टूडियो के इसी का पैक्स में जाएंगे, ठीक है, और ड्रम्स में आ जाएंगे, इसके अंदर मेरे ख्याल से इसके अंदर रहता है, इसको ऐड किए ले लेते हैं 4 स्टेप में, ये हुआ। अब ये हुआ, अब हमको लेना है यहाँ पर क्लैप, तो इसके अंदर नहीं है, ये हुआ, इसको हम ले लेंगे, इसका आउट को कम करेंगे, वॉल्यूम को भी कम कर लेंगे। अब इसको दिखाता हूँ मैं, अब लगा करके, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका किक हो जाएगा, आपको सुनने में अलग ही पता चलेगा अभी। अब हेडफोन या होम थिएटर पर सुनिए, जहाँ पर भी आपको जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें मेलोडी मार के दिखाता हूँ, नॉर्मल इतना ही हो गया, ये सिर्फ हमारा किक के लिए वीडियो था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाली खाली ना लगे इसलिए मैं मेलोडी पार्ट भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, अब इतना तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमको क्या रखना है कि इसको हम पहले हटाएंगे फील देने के लिए, सॉरी गलती से हो गया, इसको हमको हटाना रहा, तो हम इसको मेलोडी मार लेते हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं और टोन सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा, मैं जिसको यूज़ करता हूँ जेब्रा, ठीक है, इसी को हम बजाएंगे यहाँ पर, तो हम टाइमिंग के साथ लेकर के चलेंगे, सॉरी दोस्तों गलती हो गया थोड़ा सा, क्षमा चाहता हूँ, ज़्यादा फास्ट बजा दिया। तो गैस यहाँ पर मैं देख लीजिए सर मेलोडी भी कर लिया हूँ, और यहाँ पर मैं कोडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेक्सस का यूज़ करूँगा, तो ये देखिए नेक्सस के आने के बाद मैं इसमें पियानो को ले लूँगा, ये कोडिंग के लिए है, ठीक है, तो सुनिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि 3 नंबर पैटर्न पे ये बन गया है, कट कर लेंगे, इसको अपन लोग रखेंगे 6 नंबर पे, अटकने लग गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। और यहाँ पर देखिएगा
जो है बेस लाइन है सेम इसी तरह से जैसा मेलोडी बजा है अपना, ये हुआ, ये तो अपन लगा लिए। लेकिन अब अपने लोग को अपने अनुसार इसको मास्टरिंग करना होता है, जो कि किक को होता है। मेन हम अपना मकसद था किक को दिखाना, तो किक को मैंने आप लोग को दिखा दिया किस तरीके से क्या है। इसका वॉल्यूम आप कम ज़्यादा रख सकते हो। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद आप लोग को कुछ कुछ जानकारी ज़रूर मिला होगा। बाकी बने रहिए चैनल।